खबर है राजधानी भोपाल से, जहां पहले दिन 17 उम्मीदवारों ने जमा किए 20 नामांकन। विधानसभा चुनाव के पहले दिन शनिवार को 13 जिलों में 17 अभ्यर्थियों ने 20 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। बताया जाता है कि विधानसभा ग्वालियर में एक, बमोरी में एक, गुना में दो, अशोकनगर में एक, खुरई में दो, सागर में एक, दमोह में एक, सतना में तीन, रीवा में एक, उमरिया में एक, विदिशा में एक, गंज बासोदा में एक, भोपाल मध्य से एक, महेश्वर में एक, देपालपुर सांवेर इंदौर में एक एक नामांकन दाखिल हुए हैं। 30 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। पहले दिन भोपाल मध्य विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एडवोकेट देवेंद्र ने पहला नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवार ने पहले नामांकन करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अमन मिश्रा से चुनाव चिन्ह चप्पल दिए जाने की मांग भी की। उम्मीदवार वर्ष 2018 में भी इसी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। बता दें कि इस विधानसभा में वर्ष 2018 में कुल 16 प्रत्याशी मैदान में थे। विधायक प्रत्याशियों के लिए ये गाइडलाइन, प्रत्याशी रिटर्निंग अधिकारी के सामने स्वयं नामांकन जमा कर सकेंगे, उनके साथ मात्र 3-4 प्रस्तावक ही जा सकेंगे। सुविधा ऐप के माध्यम से वे ऑनलाइन नामांकन भी जमा कर सकते हैं। जमानत राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं और नामांकन आवेदन के साथ उम्मीदवार को फॉर्म 2 भी, नामांकन आवेदन, शपथ पत्र व नए बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिए प्रारूप C1 एवं C4 देना होगा। विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर फॉर्म जमा हो गए कलेक्ट्रेट में। अभी यहाँ से बताया गया है कि सिर्फ फॉर्म ही वितरण हुए हैं दक्षिण पश्चिम और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के, अभी एक भी फॉर्म जमा नहीं किया गया है, लिहाजा कुछ फॉर्म यहाँ से। विधानसभा क्रमांक 153 हमारे साथ मौजूद है रिटर्निंग ऑफिसर। इस बार जो विधानसभा चुनाव 2023 है सर, आज पहला दिन है नॉमिनेशन पत्र का। कुल कितने फॉर्म अभी तक यहाँ से लोग लेने के लिए निक्षेप राशि कटाने के लिए 2-3 उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं और एक व्यक्ति ने हमारे पास नाम निरीक्षण। तो अभी पार्टी से आए कि निर्दलीय लेने फॉर्म जो आपके पास ले रहे निर्दलीय, और सर इस साल विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन ऑफलाइन की व्यवस्था है उसके बारे में संक्षेप में। हाँ जी, इस प्रकार की व्यवस्था है कि सुविधा पोर्टल से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, स्लॉट बुक कर सकता है, उसके बाद समस्त आवेदन ऑफलाइन लेकर प्रिंटआउट निकाल के मेरे समक्ष निर्धारित समयावधि में लेकर। अखिल देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।